श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 भगवत गीता नवा अध्याय और 26वां श्लोक भगवद गीता नवा अध्याय और 26वां श्लोक पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्तिया प्रचति तदहम भक्ति अपहातम तवदहम भक्ति अपहातम श्नामी प्रियत आत्मना भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के इस अद्भुत श्लोक में ये कह रहे हैं कि हाँ यस अगर तुम मुझे खिलाओगे तो मैं खाऊंगा यस हाँ तुम मुझे पिलाओगे तो मैं पीऊंगा हाँ बिल्कुल पीऊंगा तुम मुझे अर्पण करोगे तो मैं उसे स्वीकार करूंगा बिल्कुल करूंगा लेकिन भक्ति भाव से प्रेम से श्रद्धा से सबसे बड़ी कंडीशन यही है अगर हम कुछ भी भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अर्पण करते हैं पत्ते फूल फल जल तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं कृष्ण को केवल और केवल और केवल प्रेम भरी भक्ति चाहिए और ये पत्ता फूल फल जल ये उस भक्ति को प्रदीक्षण करने के साधन है एक बात याद रखता हूं अगर हम सच्चे मन से सच्चे भाव से अर्थात सिंसियरली भगवान को उनकी इच्छा अनुसार अर्पण करते हैं तो अवश्य स्वीकार कर लेते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की एक कथा मैंने अधूरी छोड़ी थी उसे आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं श्री चैतन्य महाप्रभु हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के संगम रूपी अवतार हैं इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता और उन्होंने सब जीवों के कल्याण के हेतु ये हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन चलाया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 क्योंकि वे जानते हैं कि कलयुग के जीव तपस्या नहीं कर पाएंगे कलयुग के जीव से कोई विशेष रूप से साधना नहीं हो पाएगी ना ही यज्ञ होम इत्यादि हो पाएंगे ना ही इतने शरीर में शक्ति होगी कि कोई तपस्या करे ना ही लोगों के इस तरह का भाव होगा कि धन का दान करें उन्होंने ये सोचते हुए हरि नाम संकीर्तन सब जीवों तक पहुंचाया
हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, चाहे वो जप हो चाहे वो कीर्तन हो, भगवान श्री कृष्ण तक हम पहुंच सकते हैं। नाम की ये महिमा महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, श्री गौरंग हरि ने जीवों के कल्याण के लिए सहजता से पहुंचाया। सब जीवों को यही कहा, कृष्ण नाम जपो भाई, कृष्ण नाम जपो भाई, कृष्ण नाम जपो, तुम्हारा परम कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जब बालावस्था में थे, छोटे से बच्चे थे, तो उनके घर एक ब्राह्मण, सोपाती ब्राह्मण अर्थात ऐसी महापुरुष जो अपना भोजन अपने हाथों से स्वयं बनाते हैं, वो किसी के यहाँ का बना हुआ भोजन नहीं लेते, अपना ही भोजन लेते हैं। क्योंकि ऐसे शास्त्रों में आया है, मैं आपको एक बात इस विषय से समझा दूं कि ये जो भोजन है ये भोजन जो है एक कैमरे की रील जैसा होता है, कैमरे की रील होती है ना, जो उसके सामने होता है उसमें इमेज बन जाता है, वो छप जाता है। इसी तरह से जब अन्न बनाने वाले का जैसा मन होता है, वो सारे वाइब्रेशन किस में जाते हैं, अन्न में जाते हैं। सारे वाइब्रेशन कहाँ जाते हैं, अन्न में जाते हैं, और वो अन्न खाने वाले के मन पे असर करता है। इसलिए कहा जाता है अन्न प्रसाद भोजन बनाते समय बहुत सात्विक विचारों के साथ, बहुत पवित्रता के साथ हरि का भजन करते हुए वो भजन, वो प्रसाद, वो भोजन बनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं, इसलिए कुछ संत ऐसे होते हैं जो सोपाती होते हैं, सोपाती मतलब स्वयं अपना खुद बनाते हैं और खुद ही खाते हैं। ऐसे ही एक ब्राह्मण संत जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के घर पहुंचे, जगन्नाथ मिश्र, और माँ सच्ची देवी ने उनका बहुत प्रेम से सत्कार किया, आदर किया। और बड़े प्रसन्न चित्त से उनकी सेवा की। कभी भी कोई संत हमारे घर आए तो बहुत प्रसन्न चित्त से उनकी सेवा करनी चाहिए, खुशी खुशी होनी चाहिए, तिरस्कारित भाव से कभी नहीं करना, बहुत प्रसन्न चित्त से उन महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि धन्य है वो घर जिस घर पे किसी संत का आगमन होता है। इसलिए सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र बहुत प्रसन्न हुए और उनके लिए भोजन सामग्री सारी दे दी, कच्चा अनाज, ताकि वो महापुरुष स्वयं अपना बनाए और भोजन करें। इसलिए सच्ची माता ने उनको सारा अनाज दे दिया और वो अनाज के पश्चात वो अनाज बनाकर उसकी जो भी सब्जी, चपाती, दाल, चावल जो भी होगा वो अच्छे से बर्तन में पिरोस के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने बैठ गए। अब जैसे ही श्री कृष्ण को भोग लगा रहे हैं तो आपको पता है कि भगवान को भोग लगाने के लिए कोई पर्दा करना पड़ता है, और अगर पर्दा नहीं होता है तो कम से कम अपनी आंखें तो बंद ही कर लेनी चाहिए, लेकिन पर्दा हो तो बेस्ट है ताकि भगवान आराम से अपना प्रसाद भोग स्वीकार कर ले।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब छोटे बालावस्था में थे तो जब ब्राह्मण भगवान को भोग लगा रहे थे, आंखें उनकी बंद थी और घंटी बजा रहे थे। घंटी बजाने का मतलब है दूसरे घर वालों को पता चले कि भगवान को भोग लग रहा है, ताकि उस समय कोई दूसरा किचन में जाके उस में से प्रसाद में से खा ना ले। इसमें सारी इसके सिद्धांत होते हैं। बिना मतलब के हमारे धर्म में कोई ऐसी बात नहीं है, सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। इसलिए ब्राह्मण जी घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाने लगे, उनकी आंखें बंद थी ध्यान में, ध्यान ग्रस्त थे वो, और महाप्रभु चुपचाप चलते आए और आकर जो वो ब्राह्मण भोग लगा रहे थे भगवान को, वो स्वयं खाने लग गए। ब्राह्मण की आंखें खुल गई, अरे राम 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 राम, ये क्या हो गया, इस बच्चे ने हमारा प्रसाद झूठा कर दिया। जो किसको भोग लग रहा था, भगवान को भोग लग रहा था, और इस बच्चे ने झूठा कर दिया। सच्ची माता ने कहा, हमारा जी बच्चा है, अकल नहीं है, क्षमा कीजिए, हम आपको दूसरा अनाज देते हैं, उसका आप भोजन लगाइए। माता सच्ची ने महाप्रभु को पकड़ लिया और डांटा कि अब नहीं निकलना, और फिर से वो ब्राह्मण ने फिर से मेहनत की, और मेहनत करने के पश्चात फिर से भोजन बनाया, और फिर से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाने लग गए, गोविंद देव जी को, अपने गोपाल को। आंखें बंद थी ब्राह्मण देवता की, ऐसे में महाप्रभु पता नहीं कैसे छूट के आ गए, और चैतन्य महाप्रभु फिर से वो प्रसाद खाने लग गए। फिर ब्राह्मण ने खुसुर पुसर की आवाज सुनी, ओ फिर से ये आ गया, दूसरी बार भी प्रसाद खराब कर दिया। माता सच्ची और जगन्नाथ जी आ गए और महाप्रभु को पकड़ के बहुत डांटा और लेके गए, महाराज आप हमारे घर से खाए बिना प्लीज कृपा करके मत जाइएगा, आप कुछ ना कुछ प्रसाद लेके जाइएगा, कृपा करके। ब्राह्मण मान गए, कहा इस बार इसको पकड़ के रखना, बिल्कुल कहीं बंद कर दो, बहुत तंग कर रहा है, जाओ इनको पकड़ के बंद कर दो, बहुत तंग कर रहे हैं। तो महाप्रभु को पकड़ लिया गया, ब्राह्मण ने फिर से बड़ी मेहनत की और मेहनत करके फिर से बनाया, और बनाने के बाद फिर से भगवान को जैसे भोग लगाने लग गए, महाप्रभु चैतन्य पता नहीं कैसे आ गए और प्रसाद खाने लग गए। अब तो वो ब्राह्मण पागल हो गए, हो अब तीन बार। उस जमाने में गैस था नहीं, शीला प्रभुपाद जी महाराज पता है क्या कहते हैं, सबसे स्वादिष्ट भोजन कोयले पे या गाय के वो होते हैं ना, वो कंडे, हाँ वो थेपले नहीं बोलते हैं, कुछ वो बोलते हैं। उबले होते हैं ना, उस पे पकता है सबसे स्वादिष्ट भोजन। सेकंड स्वादिष्ट भोजन लकड़ी पे, थर्ड गैस, फोर्थ बिजली। आज हमारे घर में वो है ही नहीं, गाय के गोबर के जिसपे हम पका सके, ना ही वो मटकी की ठीकरे की हंडिया है, ना ही वो लकड़ी की चम्मच है,
ये सब इसके पीछे लॉजिक होता है। और ना ही वो सोने चांदी के बर्तन है जिसमें खाते थे। तो वो जमाना अद्भुत जमाना था, इसलिए वो जमाने में इतनी बीमारियां बिल्कुल नहीं थी। डायबिटीज का तो नाम भी नहीं होगा, ना बीपी होगा, ना कोलेस्ट्रॉल होगा, जबकि उस जमाने के लोग हमसे ज्यादा घी खाते थे। तो वो ब्राह्मण बिल्कुल पागल जैसे हो गए। और क्या हो गया ये सब? जब महाप्रभु ने देखा कि अब इनकी बर्दाश्त से मामला, तुरंत अपना रूप दिखाया कृष्ण का, और रूप दिखा के कहा, आप कहते हो भगवान को भोग लग रहा है, भगवान को भोग लग रहा है, तो भगवान ही तो खा रहे हैं। महाप्रभु ने अपना दिव्य रूप के दर्शन कराए पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के, और कहा कि आप तीन बार मैंने खाने की कोशिश की, आपने मुझे खिलाया ही नहीं। तीन बार मैंने खाने की कोशिश की और आपने मुझे नहीं खिलाया। कहा, प्रभु आपके स्वरूप को मैं जान नहीं पाया था। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? खाते हैं भगवान, बस भोग लगाने वाला, प्रसाद अर्पण करने वाला मजबूत होना चाहिए। इसलिए भगवान अपने भक्तों की हर चीज को स्वीकार कर लेते हैं। हर चीज भगवान अपने भक्तों की स्वीकार कर लेते हैं। और कितनी बड़ी मेहरबानी है कि हमारी किसी प्रकार की भी वस्तु कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं, जो हम प्रेम से, भाव से और श्रद्धा से उनको अर्पण करते हैं। और यही भक्ति है कि हम जो भी खाए भगवान को अर्पण करके खाए, और जब प्रसाद खा ले तब भगवान को प्रणाम करके, धन्यवाद भगवान, आपकी बड़ी मेहरबानी, धन्यवाद। इस भाव से, क्योंकि कृष्ण जो है ना, मैंने कल ही कहा था, कृष्ण अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कल की कथा में हमने सुना कि भगवान ने द्रौपदी को एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से द्रौपदी की चप्पलें उठा ली। और हम सबों का सौभाग्य है कि हम सबों को कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिला है, कृष्ण भजन करने का अवसर मिला है, कृष्ण नाम स्मरण का अवसर मिला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। और याद रखना, इस अवसर को गंवाना मत, नहीं तो हम जैसा लूजर कोई नहीं होगा। मत गवाना इस हाथ आए अवसर को, क्योंकि ये मनुष्य शरीर, जिस तरह से मैं कभी कभी एक उदाहरण देता हूं, श्री राधे, मैं कभी कभी एक उदाहरण में समझाता हूं कि देखो, ये चलो मैं ये है मेरे पास ही है। ये क्या चीज है? हाँ सही बता रहा है, ये क्या है? फूल है, दिख रहा है? एक फूल है। अब हमने देखा है, समझने की बात बता रहा हूं आपको, एक फूल है, वीडियो में दिखाना पड़ता, ये एक फूल है। अब शादी हो तो हम दूल्हे दुल्हन को क्या देते? फूल देते। किसी के एनिवर्सरी पार्टी हो तो हम क्या देते? फूल देते। किसी की बर्थडे हो तो भी हम
फूल देते हैं, कोई नेता आए तो उसको भी हम फूल देते हैं, कोई खिलाड़ी आए तो भी हम उसको फूल देते हैं, किसी के घर जाए तो भी फूल का बुके लेके जाते हैं, किसी के दुकान की ओपनिंग हो, घर की ओपनिंग हो तो भी फूल देते हैं। अब सच सच बताइए, उस फूल को बाद में क्या करते हैं? कचरे में डाल देते हैं, फेंक देते हैं उस फूल को, झाड़ू मार के फेंक देते हैं कचरे में। ठीक है, चाहे वो 1,000 रुपए का ही बुके क्यों ना हो, 2,000 का ही बुके क्यों ना हो, लेकिन प्रोग्राम पूरा होने के बाद उसको फेंक देते हैं। अब ऐसा ही एक फूल आप अपने घर में भगवान के मंदिर में अर्पण करते हो पूजा में, सही बताइएगा, क्या कभी उस फूल को किसी ने झाड़ू मार के फेंका कचरे में? कभी नहीं। बल्कि उस फूल को हम क्या करते हैं, किसी पवित्र स्थान पे परवान कर देते हैं, चाहे वो नदी हो, कोई जल का समंदर हो, या कुछ समंदर नहीं मिलता है तो किसी थैली में डालकर हम किसी झाड़ पे छोड़ के आ जाते हैं, अर्थात उसको मान मर्यादा से किसी पवित्र स्थान पे परवान करके छोड़ के आ जाते हैं। उस फूल को जो भगवान की पूजा में भगवान को अर्पण हुआ, उस फूल को झाड़ू मार के कचरे में कोई नहीं फेंकता। अब समझो, एक फूल जो संसार के कार्यों में लगा उसको झाड़ू मार के कचरे में फेंक दिया गया, लेकिन एक फूल जो भगवान की सेवा में लगा उस फूल को कोई झाड़ू नहीं मारेगा, कचरे में कोई नहीं फेंकेगा, बल्कि उसको उठा के किसी पवित्र स्थान पे रख के आ जाएंगे, परवान करके आ जाएंगे। इसी तरह से मैं आपको समझाऊं, ये शरीर एक फूल जैसा है। अगर ये शरीर संसार के कार्यों में लग गया तो एक दिन उठा के इसको शमशान में फेंक दिया जाएगा, या फिर उसके कर्म अनुसार वो नरक भोगेगा। लेकिन जो शरीर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा वो उस फूल की तरह है, जो भगवान की सेवा में फूल लगा उसको एक जगह से दूसरी जगह पे परवान कर दिया इज्जत के साथ। इसी तरह से जो शरीर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा वो इस लोक से परलोक इज्जत और सम्मान से चला जाता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। यही फूल है, जब संसार के काम में लगा तो झाड़ू मार के फेंक दिया कचरे में, और जब वही फूल भगवान को अर्पण हुआ तो किसी पवित्र स्थान पे परवान किया गया। इसी तरह से हम भी हैं, अगर संसार के पीछे भागेंगे तो अपने कर्म भोगेंगे, और वो कर्म हो सकता है हमें नरक में भी लेके जाए। लेकिन अगर हम कृष्ण को ये शरीर अर्पण करते हैं, अर्थात आंखों से दर्शन, कान से कथा सुनना, नाक से भगवान के पुष्प को सूंघना, जीभ से भगवान का प्रसाद लेना, चखना, मुंह से भगवान का भजन करना, हाथ से कृष्ण की सेवा करना, पांव से कृष्ण की ओर जाना, सर को कृष्ण की चरणों में झुकाना, चित्त से कृष्ण का चिंतन करना, अवश्य इसकी दुर्गति नहीं होगी, बल्कि ये लोक से परलोक चला जाएगा सम्मान के साथ। लोग कहते हैं फलाना 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 मर गया, उसकी अर्थी में 5,000 लोग थे। कितने थे? 5,000 लोग उसकी अर्थी में थे। मैं पूछता हूं, अर्थी में 5,000 लोग जरूर थे, लेकिन उसके साथ कितने लोग थे? कोई नहीं। अकेला अपने कर्म भोगने गया, और जिन्होंने भजन किया है
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। जिन्होंने हरि कीर्तन किया है, कृष्ण दर्शन किए हैं, कृष्ण स्मरण किया है, कृष्ण प्रसाद लिया है, कृष्ण भक्ति किए हैं, कृष्ण की ओर अपने पांव से चले हैं, कृष्ण का चिंतन किया है, उनकी अर्थी में भले चार लोग ही क्यों ना हो, लेकिन अंतिम यात्रा में कभी अकेला हो नहीं सकता। जब जीव जावत अकेला, जब जीव जात अकेला, हर का नाम करत सोहेला। ये हरि का नाम मेला लगा देता है, मेला उसके साथ। बिना भजन करने वाली व्यक्ति, बिना कृष्ण भक्ति वाली व्यक्ति, बिना श्री कृष्ण की सेवा किए बिना वाली व्यक्ति, कृष्ण के गुण सुने गाए बिना व्यक्ति, किस अंतिम यात्रा में भले 5,000 लोग ही क्यों ना हो, लेकिन जाता तो वो अकेला है। और भजन भक्ति सत्संग करने वाली व्यक्ति के साथ भले चार लोग हो, लेकिन अंतिम सफर में तो उसके साथ वो अकेला, और इसके साथ मेला, इसके साथ मेला होता है। इसलिए मैं आप सबों से गीता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने हाथों को, अपने पैरों को श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। एक छोटी सी कथा बहुत प्रेरणा वाली है, आपको सुनाता हूं। 11:45 तो हो ही गए। एक बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े संत। बचपन में, छोटी उम्र से वो अपने गुरु महाराज की सेवा करते थे, बहुत दिल से सेवा करते थे। जिन सेविया तिन पाया, सेवा में ही शक्ति है मेरी माताओं बहनों मित्रों, सेवा में ही शक्ति है। आप हरी सेवा, संतों की सेवा, अपने माँ बाप और बड़ों की सेवा करते जाओ, देखो उसका क्या परिणाम आता है। सेवा करते 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 कुछ 16-17 वर्ष का वो हो गया संत। एक दिन उनके गुरु महाराज सुबह सुबह उठे और वो हुक्का पी रहे थे। ये पंजाब की कथा है, पंजाब की कथा है। पंजाब में गांव में लोग हुक्का पीते हैं, तो वो जो थे उनके गुरु ने कहा, बेटा मुझे हुक्का पीना है तो उसके लिए थोड़ी सी आग चाहिए कोयले जलाने के लिए। अब वो जवान लड़का चला गया। अब सुबह सुबह ठंडियों के दिन, कहीं उस जमाने में माचिस नहीं थी, उस जमाने में पत्थरों को रगड़ रगड़ के आग लगाई जाती, जिसमें घंटों लग जाते थे कभी कभी, तो घंटों लग जाते थे। आज आप सब कलयुग के लोग कहीं बहुत ज्यादा भाग्यवान भी हो, अगर आप समझो तो यूं लाइट टक, क्या गैस जल गया, वहां घंटों रगड़ना पड़ता था पत्थरों को, तब जाके आग लगती थी। 10-10, 15-15 किलोमीटर माताओं को पानी भरने जाना पड़ता था। यहाँ नल खोला, पानी आ गया, नहीं तो नीचे से बोतल मंगा ली। और एक घड़ा नहीं, दो घड़ा नहीं, तीन तीन चार चार घड़े उठा के सर पे आती थी माताएं। आप लोगों ने तो कुछ भी मेहनत नहीं की। वो संत अपने गुरु के लिए आग लेने गए,
कि कहीं से कोई जलता हुआ कोयला मिल जाए तो दूसरे कोयलों में डाल के आग लगाया जाए। घूमते 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 एक बुढ़िया के पास कोयले जल रहे थे। मैं समझाना क्या चाहता हूं कि अपनी इंद्रियां किसको अर्पण कर दो? कृष्ण को। क्यों? अब पता चलेगा। बुढ़िया ने देखा एक जवान लड़का 16-17 बरस का, इसी सुबह की हड्डियों को सुकड़ने वाली ठंडी उसमें आया है। माता, मुझे मेरे गुरुदेव के लिए थोड़े से कोयले दे दो, उनको हुक्का पीना है। क्यों बेटा? कहा, मैं अपने गुरु महाराज की सेवा में हूं और मुझे चाहिए। बुढ़िया ने जवान लड़के को देखा और कह रहा, गुरु की सेवा कर रहा है। बुढ़िया ने कहा, ये तो बताओ, मैं अगर तुम्हें कोयला दे दूं तो बदले में तुम क्या दोगे? क्योंकि ये तो मैंने बड़ी मेहनत से जलाए, 2 घंटे से पत्थरों को घस रही थी तब जाके ये कोयले जले, और तुम्हें ऐसे ही दे दूं, क्या दोगे? मैं अपने जवान बच्चों से ये कथा के माध्यम से कुछ सुनना समझाना चाहता हूं। समझाना चाहता हूं। इस लड़के ने कहा, जो आप मांगो मैं दूंगा, लेकिन ये कोयला दे दो, मैं अपने गुरु की सेवा करूंगा, मेरे गुरु खुश होंगे। बुढ़िया ने कहा, देखो ऐसे मैं नहीं दूंगी जब तक कुछ दोगे नहीं, फ्री में मुफ्त में नहीं दूंगी। लड़के ने कहा, जो मांगो। बुढ़िया ने कहा, ठीक है कोयला ले लो, उसके बदले तुम्हारी आंखें मुझे दे दो। यहां तो चश्मे भी मांगे तो ना दे, आंखें तो दूर की बात है। चीरा दे। आंखें दे दो, हाँ मंजूर है मुझे, लेकिन ये कोयला दे दो मेरे गुरु की सेवा के लिए, वो खुश होंगे। पक्की बात है आंखें दे रहे हो? कहा, मेरा वचन है, प्रॉमिस है, मैं आपको ये आंखें दे रहा हूं, अब कोयला दे दो। बुढ़िया ने एक बर्तन में कोयले दिए बहुत सारे जो जल रहे थे। लड़के ने कहा, आप मुझे कुछ साधन दो जिससे मैं अपनी आंखें आपको निकाल के दे दूं। बुढ़िया बहुत बड़ी ज्ञानी थी, वो भी संत थी कोई। उसने कहा, बेटा मुझे तुम्हारी आंखें अभी नहीं चाहिए, समझ लेना ये आंखें आज से मेरी हो गई है। आपकी अमानत है ये आंखें आज से। चला गया और जाने के बाद अपने गुरु को वो कोयले दिए। गुरु महाराज ने बड़ी आशीर्वाद दी, प्रसन्न हुए। समय रहते 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 वो लड़का जब बिल्कुल बुढ़ापे में आ गया, उस लड़के का नाम था बाबा फरीद, जो पंजाब के एक बहुत बड़े सूफी संत हुए। बाबा फरीद कहते हैं कि जब भी मेरी आंखें कभी कोई संसार का कुदृश्य देखती, मैं तुरंत हटा देता, क्योंकि मैं ये सोचता ये आंखें तो मेरी नहीं है, मैं तो उस बुढ़िया को दे चुका हूं और दी हुई चीज
का यूज कैसे करूं मैं। इसलिए उस माता ने मुझे जो समझ आया वो आज समझ आई है कि ये आंखें मैं उनको दे चुका था, इसलिए इससे कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जब हमारे युवा बहन भाई बच्चे अपनी इंद्रियों को कृष्ण को अर्पण कर देंगे तो वो सोचेंगे कि ये आंखें, ये कान हम कृष्ण को दे चुके हैं, ये हाथ हम कृष्ण को दे चुके हैं, इससे गलत काम कैसे हो सकता है कोई। यूं हम हमेशा पवित्र और सुरक्षित रहेंगे। ये छोटी छोटी कथाएं हमारे जीवन में बहुत प्रेरणा देती है और हमें ऐसे मार्ग पे ले जाती है जो सदाचार का है, पवित्रता का है, आनंद का मार्ग है, और ऐसे मार्ग पे चलकर हम कृष्ण तक सरलता से पहुंच जाएंगे। इसलिए इसी मार्ग पे चलने के लिए हमें ये सारे साधन दिए हैं, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, जो भी मुझे प्रेम से ये अर्पण करे। तो भगवान ने तो एक बात बताऊं, अब आप कृष्ण को जो फल अर्पण करोगे कैसे करोगे, कैसे करो? अरे इतना इजी क्वेश्चन है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हाथ से करोगे, प्रेम से करोगे, पांव से करोगे, नाक से करोगे, कान से करोगे? भगवान को जो अर्पण, ये अभी ये लेके जा रहा है, किस क्या किस में उठाया? हाथ से। अब आप एक हाथ से प्रसाद अर्पण किया और फिर क्या बजा रहे हो? घंटी। अच्छा, प्रसाद पकाया किससे? हाथ से, मानते हो? खिलाओगे किससे? हाथ से। पर्दा बंद करोगे किससे? घंटी बजाओगे किससे? फिर प्लेट उठाओगे किससे? हाथ से। ऐसे नहीं हाथ पे एक प्रवचन हो जाए। हाँ, ये व्यासासन चमत्कारी स्थान है, किसी पे भी प्रवचन हो सकता है, लेकिन आप समझने की बात बता रहा हूं। अन्न अर्पण कर रहे हो कृष्ण को, मानते हो? लेकिन कृष्ण कहता है तू मुझे अन्न अर्पण कर रहा है, लेकिन तूने क्या हाथ भी अर्पण किए मुझे? क्वेश्चन इज दिस, अन्न तू मुझे अर्पण कर रहा है, लेकिन जिस हाथों से अर्पण कर रहा है वो हाथ मुझे क्या अर्पण किए? अगर अंदर से आवाज आता है प्रभु ये अन्न भी आपका और हाथ भी आपके। अब अन्न अर्पण करते हो आप भोग लगा के, और हाथ कैसे अर्पण करोगे ये कल बताऊंगा, आज टाइम हो गया। ऐसे तो नहीं उंगली काटी श्री कृष्ण अर्पणम, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना? फिर कैसे? इस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक आज कुछ ना कुछ मेरे ठाकुर को भोग जरूर लगाना। नित्य भजो हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।